कॉरिडोर को लेकर व्यापारियों की हुई जनसभा। हरिद्वार में बनने जा रहे कॉरिडोर के विरोध में हरिद्वार के व्यापारियों द्वारा आज एक जनसभा का आयोजन किया गया। व्यापारियों के इस जनसभा में हरिद्वार शहर की सभी 53 इकाइयों के व्यापारियों के हजारों व्यापारी एकत्रित हुए। व्यापारियों की ये जनसभा बार बार हो रहे हंगामे के बीच सम्पन्न हुई। जनसभा में व्यापारी नेताओं के अलावा भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े व्यापारी नेता भी शामिल हुए। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं जिसमें लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने जैसे ही अपनी बात रखनी शुरू की तभी व्यापारियों द्वारा उनका विरोध शुरू कर दिया गया। जबकि हरिद्वार शहर के विधायक मदन कौशिक के फोन के माध्यम से अपना भाषण देने पर भी कुछ व्यापारियों ने विरोध किया। यही हाल कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री रहे संजय पालीवाल के भाषण के दौरान भी कुछ व्यापारियों ने हंगामा किया। जनसभा के विषय में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन अनिल गोयल ने कहा कि व्यापारी हरिद्वार के सौंदर्यकरण या शहर के विकास का समर्थन करते हैं, परंतु कॉरिडोर के नाम पर हरिद्वार की पौराणिकता को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, व्यापारी सरकार के साथ हैं, परंतु किसी भी कीमत पर व्यापारियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक भय का माहौल है और प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जो जिलाध्यक्ष हैं, जिला महामंत्री हैं, शहर अध्यक्ष हैं, हरिद्वार के वरिष्ठ व्यापारी नेताओं ने व्यापारियों का भय को भांपा है। और ये एक कॉल है, अभी एक कॉल में आप हजारों की संख्या में यहाँ व्यापारी देख रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कॉरिडोर का विरोध है, सौंदर्यकरण का विरोध नहीं है, विकास का विरोध नहीं है, लेकिन जो देश के अन्य स्थानों पर जो बने हैं वहाँ की जो स्थिति और दुर्दशा देखी है, उस दुर्दशा का हरिद्वार में ना हो ये उसका विरोध है। हम हरिद्वार में विकास विरोधी नहीं है, हम कॉरिडोर के विरोधी हैं। कॉरिडोर के नाम पे अयोध्या में, बनारस में, उज्जैन में जो बर्बादी के कगार पे वहाँ के व्यापारी हुए, बर्बाद हुए, 200-200 साल के व्यापारी वहाँ बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, इसलिए उस बात का विरोध है। हरिद्वार की पौराणिक व्यवस्था को बना के रखें, धार्मिक मर्यादा के मानने के अनुरूप यहाँ पे विकास हो, हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन हम कॉरिडोर का विरोध है, कॉरिडोर के नाम पर विरोध है। आप सरकारी भूमि पर आप कुछ भी सौंदर्यकरण करें हम उसका स्वागत और अभिनंदन करेंगे, लेकिन तोड़ फोड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत स्पष्ट रूप से बर्दाश्त है कि हरिद्वार का व्यापारी, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का एक एक व्यापारी भी जो है हम तोड़ फोड़ का विरोध करते हैं, तोड़ फोड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी किसी भी हद तक हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़े, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हमें कहीं से कहीं तक भी जाना पड़े, हम व्यापार मंडल को की मजबूती के साथ हर व्यापारी की रक्षा और सुरक्षा का वादा करते हैं। हमने हमेशा हर शासन प्रशासन की मीटिंगों में हम गए हैं और उन मीटिंगों में बैठ के हमने एक सूत्रीय कार्यक्रम है हमारा कि तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं है और वहाँ हमें गुमराह भी किया जाता है। एक मीटिंग हुई थी हमारी डीएम साहब के सानिध्य में कॉरिडोर परियोजना के संदर्भ में, जो लोग जो टीम बना रही है उनके साथ हुई थी। उन्होंने जो हमें स्थिति समझाई थी, वो ये समझाई थी कि नया जैसे 25-30-50 एकड़ जमीन ली और नया शहर बसाने का काम, इस परियोजना का हमारा विरोध है। जिस तरह नहीं सफल होगा, एक तरफा सफल होगा, अभी तो लड़ाई है, ये तो शुरुआत हुई है लड़ाई की, ये विशाल जनसभा की शुरुआत हुई है। अभी तो आगे पता नहीं, देखिए हम कौन कौन सी लड़ाई कहाँ कहाँ लड़ते हैं। देखिए आप स्वयं देख रहे हैं व्यापारी लामबंद है, व्यापारी ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह से हरिद्वार की पौराणिकता को ठेस पहुंचाई जाए, व्यापारी ये नहीं चाहता किसी भी तरह से यहाँ के पौराणिक बाजारों को छेड़ा जाए, व्यापारी ये नहीं चाहता यहाँ की मौलिकता को छेड़ा जाए। यहाँ दुनिया भर से यात्री आता है, एक श्रद्धा के भाव से आता है। हम कहीं भी कॉरिडोर बनाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं, शहर का विकास हो, शहर में आने जाना सुगम हो, शहर के एग्जिट पॉइंट्स बेटर हो, हम सब उसके लिए स्वयं खड़े होकर श्रमदान भी करेंगे और योगदान भी करेंगे और हम उसका स्वागत भी करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि हरिद्वार की एक पहचान है, हरिद्वार में आदमी गंगा नहाने श्रद्धा के साथ आता है, यहाँ की धर्मशालाओं में रहता है, यहाँ के पौराणिक बाजारों से अपना हृदय का सामान खरीदता है, उनको ना छेड़ा जाए किसी भी तरीके से। अगर उनको छेड़ा जाता है तो समस्त व्यापार और व्यापारी, व्यापार खराब होगा, व्यापारी उद्वेलित होगा, व्यापारी एकता आप देख रहे हैं, जितनी भी यहाँ पर यूनिट्स हैं जिन भी बाजारों की, सब यहाँ इस महासभा में इकट्ठी हैं। मेरा मानना है इनकी मूल सोच को, इनकी मूल भावना को ध्यान रखते हुए सब चीज़ें की जानी चाहिए।
और इसके अलावा जो भी कमेटी आप इस हेतु बनाते हैं उसमें व्यापारियों की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए, उनमें व्यापारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि हम किसी चीज को खराब होने की जगह अच्छा कर इस हरिद्वार को बेटरली प्रस्तुत करें अपने यात्रियों के सामने, श्रद्धा वालों के सामने जो दूर दूर से आते हैं। आज एक दिन के लिए बंद होता है सारा दिल्ली हरिद्वार होता है, आज एक दिन के लिए बंद होता है, देश दूर दूर से लोग यहाँ पर आने का प्रयास करते हैं, उनकी उस श्रद्धा को पूर्ण नमन करते हुए उन सबका इसी भाव से स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के व्यापारों की प्रामाणिकता को बिल्कुल ना छोड़े। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी करा, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोतरा कुंड मथुरा।